तो जाता है लेकिन मेरे को नमाज नहीं मिलती थी। तिजोर की घुरा रही है और पव्वू से पिट जाती है। लोग यहाँ पे जब भी हमारी क्लास एंड होती है हम यहाँ पे आते हैं। ठंड में चाय पीने का अलग ही मजा होता है। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो पीनट बटर अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। ओमिक्रोन, माय गॉड, इसको देख। आजकल तो लोग वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर लगवा रहे हैं। नहीं चढ़ना था यार। ये बात है, ऐसे नहीं करते रोमी, क्या ना ऐसे नहीं करते, बैठ जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आसिफ सिद्दीकी। सो अभी हो रही है मॉर्निंग, सो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और आज है जुमा, सो आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और ये देखो, यहाँ पे मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था और ये वहाँ से ऐसा ऐसा चलते हुए आया और सीधा आ गया मेरी गोदी में बैठ गया। इसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि हमेशा ये ऐसे आके बैठ जाता, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है इसके ऊपर। और लूसी कभी भी मतलब ऐसे आके नहीं बैठती तुम्हारे पास में, कभी साइड बैठ जाएगी कभी उधर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसे तुम्हारे पास नहीं बैठेगी। ये देखो मेरे भी तो माशाल्लाह, कहाँ एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट न्यूज़ और एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़। हमेशा की तरह पहले वर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करता हूँ। वर्स्ट न्यूज़ ये है कि हमारे कॉलेज जो है जिसमें ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, अब वो दोबारा से हमारी बंद हो चुकी है कोरोना की वजह से। कोरोना का ओमिक्रोन, माय गॉड, इसको देखो कहाँ पे चढ़ गया ये। मैंने पहले बोला था लूसी जहाँ नहीं चढ़ती ना वहाँ ये चढ़ता है। तो फिर कॉलेज वगैरह तो बंद होने थे बिकॉज लाइफ इज मोर प्रीशियस। और अगर कोई गलती से अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है तो प्लीज जाके वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो लोग वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर लगवा रहे हैं, और आप सोचो आपने वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई तो वही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लें अपनी। और दूसरी बेस्ट बात यह है कि हम लोग कुछ दिन में गांव जाने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो खैर, हमारी टिकट है 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, तो हम लोग तब निकलेंगे गांव के लिए। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ठंड भी होगी, कहीं भी जाने की कोई भी बात हो लेकिन गाँव जाने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और शादी में तो भाई स्पेशल है, कुछ बताएंगे आगे चल के। आराम से आराम से, पूरे के पूरे घर में उधम मचा रखा है। चलो इधर से, किचन में नहीं घुसना। जी बेटा, किचन से चलो। तिजोर की घुरा रही है और पव्वू से पिट जाती है, सॉरी रोमी से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई भाई, देख रहे हो रोमी को, देख रहे हो लूसी से 3 गुना छोटा है, 3 गुना छोटा, और उसको टक्कर देता है बिल्कुल। देखो कहाँ चढ़ गया, ओ भाई सब पीछे से हमला किया आके इसने। तो यार इन लोगों की फाइट तो माशाल्लाह ऐसे चलती रहेगी पूरे दिन, मतलब पूरे दिन रौनक बना के रखते हैं और उधम भी मचा के रखते हैं। तो यार अभी टाइम हो चुका है 11:15, तो बाल काफी ज्यादा बड़े हुए, तो आज टाइम मिला है तो आज हम अपने हेयर कटिंग करवाएंगे। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind. अपन नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। मैंने वियर किया फिर नॉर्मल अपना ब्लैक कलर का कुर्ता। हम लोग जा रहे हैं कॉलेज और वहीं पे अपनी जुमा की नमाज भी अदा कर लेंगे। और हमारे कॉलेज में जुमा के दिन माशाल्लाह बहुत ज्यादा रौनक रहती है, और हमारी जुमा के बाद हमारी पोस्टिंग है 2 बजे से, तो जुमा की नमाज पढ़ने के बाद वहीं पोस्टिंग भी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वियर किया अपना ब्लैक कलर का कुर्ता, नीचे ब्लैक कलर की पैंट, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ठंड है तो ऊपर से एक डेनिम डाली। सो गाइस, प्रोबेबली यू आर थिंकिंग कि मैं घर पे कैसा हूँ अभी तक। तो खैर अभी टाइम हो रहा है इतना, और हमारी जो जुमा की नमाज थी वो अदा हो चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या, कपड़े वगैरह पहनते पहनते मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 1:15 हो गया था, और हमारे कॉलेज में जमात होती 1:40 पे, मेरे को आधे घंटे से ऊपर लग जाता है कॉलेज पहुँचने में। अगर मैं घर से निकलता तो मैं कॉलेज पहुँच तो जाता लेकिन मेरे को नमाज नहीं मिलती। तो मम्मी ने बोला कि कॉलेज थोड़ी देर बाद चले जाना, पहले जाके यहाँ पे नमाज अदा कर लो। तो अगर हम लोगों ने अपने घर के पास में ही नमाज़ पढ़ ली, यहाँ साहिल भी नमाज़ पढ़ के आ चुका है। साहिल से हाय। अब हम जा रहे हैं अपनी पोस्टिंग पे, वैसे 2 बज चुके हैं, हमारी गाड़ी 10 मिनट आ गए हैं, 2 बज चुके हैं, लेकिन पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे, पता नहीं अटेंडेंस मिलेगी, एंट्री मिलेगी, क्या होगा। तो हम लोग बस अपने कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। बाय देन जुमा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वी हैव रीच्ड आवर कॉलेज जामिया हमदर्द, लेट्स सी कि एंट्री मिलती है नहीं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। इस पोस्टिंग से निकलने के बाद अभी हम लोग भाई से मिल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और ठंड में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और हमारे यहाँ पे निसार भाई हैं, उनकी चाय A1 होती है। ये मेरे पीछे थी यूनानी बिल्डिंग, ये न्यू बिल्डिंग, और यहाँ पे नर्सिंग। तो गाइस फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। हम लोग यहाँ पे अभी आए हुए अंडा पराठा खाने के लिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जब भी हमारी क्लास एंड होती है हम यहाँ पे आते हैं अंडा पराठा खाने के लिए। ये अंकल जी हमारे अंडा पराठे वाले, बाकी हमारे पराठे कट रहे हैं, मैं देख सकते हो ये लपेटने में शुरू हो चुका है। पकड़ पकड़, मेरे को खाना है, पकड़ भैया। तो खैर ज्यादा बातें ना करते हुए हमारा अंडे का पराठा यहाँ पे आ चुका है, बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। खाने के बाद मिलता
मैं जला देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा, लेना खाना ना ना। ये अंडे पराठे का टेस्ट है ना, मुझसे नहीं सबसे पूछ लो भाई, बहुत टेस्टी बनाते। कैसा लगा? सो खैर गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर आने के बाद हमें यहाँ पे मिला है गाजर का हलवा, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं एक कटोरी खा चुका हूँ, दूसरी कटोरी में ये बोल के लेकर आया मम्मी से कि मम्मी वीडियो शूट करनी है, मतलब यार ठंड में गाजर का हलवा, यू लाइक गाजर का हलवा। अच्छा ये बताओ, हाँ ये मतलब ये वाला स्पेक्स अच्छा है या फिर ये वाला, पहन के दिखाता हूँ। ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, सॉरी इसमें से लेंस निकालते हैं। हाँ लेंस निकाल लिया, आप बताओ। तो खैर आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, बाकी मैं ऊपर जाके मम्मी वगैरह से पूछता हूँ। अच्छा बताओ ये वाला चश्मा, मतलब ये वाला चश्मा सही है? इसमें तो छेद है। अरे ये देखना, ये वाला चश्मा या फिर ब्लैक वाला? नहीं 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 पापा, दोनों अच्छे हैं, लेकिन तेरी शक्ल गंदी है। ज्यादा अच्छा कौन सा, ब्लैक वाला या व्हाइट वाला? ये सही है, व्हाइट वाला। ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट तो तूने पहले भी लगाया था यार, मुझे व्हाइट ज्यादा सही लग रहा है, मतलब इसीलिए मैंने दोबारा व्हाइट लिया। गर्मी लग रही है हीटर के आगे। हीटर के सामने बैठा हुआ है बेटा, इतना पास मत बैठो, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर। हाँ ये देखो, अब यहीं सो जाओ। मेरे को कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल। साहिल तू बताएगा, साहिल कौन सा, व्हाइट या ब्लैक, मतलब ये वाला ठीक है? ब्लैक। नहीं ये वाला ज्यादा सही है, तो ठीक है व्हाइट हमारा कंफर्म। नहीं व्हाइट ठीक है, ब्लैक एकदम मैट भी है। ये थोड़ा अंकल वाला लुक दे रहा है यार। सो यार सभी लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, तो हम सिंपल एक काम करते हैं, पहले जाते हैं लेंस लगवाने के लिए, और ये मैं दुकान पे ही डिसाइड कर लूंगा कौन से वाले में लगवाना है, बाकी मुझे व्हाइट वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना जिम। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे घर पे, और यहाँ पे मैं अपनी डाइट ले रहा हूँ, जो कि ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर है। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो पीनट बटर अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। सो खैर बात करते हैं स्पेक्स की। वैसे यार मैंने यही वाला स्पेक्स अभी तक लगा रखा है, क्योंकि मतलब जो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे होते हैं उसकी कम्फर्ट की आदत पड़ जाती है, मतलब वो एक कम्फर्ट देता है आप लोगों को। खैर अगर बात करें नए स्पेक्स की, मेरा नया स्पेक्स कौन सा है, तो ये वाला है और ये वाला। मतलब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था यार, ये वाला मेरे को दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने दोनों में ही लेंस लगवा लिया। मतलब ये नॉर्मल वियर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, और अगर पार्टी वियर वगैरह, मतलब पार्टी वगैरह में अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये वाला सही है। मेरे को खुद को भी ये मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है शुरू शुरू में, मतलब लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मेरे को भी और आप लोगों को भी इंशाल्लाह। यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं, तो होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। खैर हमारा शोल्डर डे था आज, मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ करनी थी, मतलब अमेजिंग रील बनानी थी, और उसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि शोल्डर डे कब आएगा, और वो एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है, वो ऐसा करके लेके जाते हैं। तो खैर ये अभी वीडियो मैंने बनाई नहीं, बैठे बैठे मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूँ, जन मैं उस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, वो मैंने पहले लगा थी एडिटिंग में। होप मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, होप मेरी रील आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा सा नॉर्मल सा ब्लॉग था डेली लाइफ का, मेरी मतलब जिंदगी में क्या क्या हुआ आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।